हमने कई बार भारत के विभाजन पर तमाम बातें की, लेकिन दुनिया का इतिहास सिर्फ भारत पर ही सिमट कर नहीं रह जाता। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें सिर्फ किसी स्पेशल इवेंट पर ही खोला जाता है। पर आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में, उन तथ्यों के बारे में जिन्हें शायद कोई खोलकर भी नहीं देखना चाहता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, बंगाल विभाजन की तैयारी 1901 से शुरू हो गई। वायसराय लॉर्ड कर्जन को पता था कि बंग भंग का राजनीतिक प्रॉफिट होने वाला है। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने ढाका में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान हमारी दो बीवियां हैं, लेकिन मुस्लिम ज़्यादा प्रिय हैं। नए पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की ऐसी ताकत होगी जो पहले के मुस्लिम शासन के बाद कभी नहीं रही होगी। ये शब्द थे लॉर्ड कर्जन के। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंग भंग क्या है। तो इसका मतलब है कि बंगाल विभाजन के पक्ष में अंग्रेजों की घोषित दलील, बंगाल प्रेसिडेंसी का बड़ा आकार और इसके चलते प्रशासन व्यवस्था में आने वाली दिक्कतें। पर असल में इसका बड़ा और असली मकसद बंगाल में राष्ट्रवादियों और कांग्रेस की बढ़ती ताकत को रोकना था और अंग्रेजों को अपने इरादे मजबूत करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ाना ज़रूरी था। और बंगाल के बंटवारे की बदौलत ही पूर्वी बंगाल के मुसलमान बहुसंख्यक बन रहे थे। दरअसल मुस्लिम्स की पहचान को अलग करने के लिए और हिंदुओं के बहुसंख्यक होने की वजह से ये अंग्रेज़ों का एक बड़ा दांव था। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बांग्ला भाषा और बांग्ला संस्कृति दोनों समुदायों के बीच एकता का काम कर रही थी। पर असल में एक अलग मुस्लिम बहुल देश अपने बेहतर तरक्की के अवसर ढूंढने के लिए पैसे से मजबूत हिंदुओं के वर्चस्व से मुक्ति से प्रचार के जरिए अंग्रेजी शासन मुस्लिम लीग को अपने पाले में करने में सफल रहा था। और जानते हैं, इस विभाजन की तैयारी सालों से चली आ रही थी। असल में 1901 में बंगाल की टोटल पॉपुलेशन 7,85,00,000 के आसपास थी। इसीलिए इसके बाद 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक कार्य योजना बनाई जिसे उसी साल रिजली पेपर के नाम से पब्लिश किया गया। और आखिरी योजना का खुलासा भारत के सचिव ब्रॉडरिक के नाम कर्जन के 2 फरवरी 1905 के डिस्पैच में किया गया। और इतना बड़ा कदम बिना किसी संसदीय चर्चा के उठाया गया था। हालांकि विभाजन की घोषणा 1905 को की गई और उसी साल ये लागू भी हुआ और तभी बसा पूर्वी बंगाल और असम, जिसमें चटगांव, ढाका और राजशाही कमिश्नरी के जिलों के साथ टिपरा पहाड़ी और मालदा को जोड़ा गया। नए प्रांत की 3.5 करोड़ जनसंख्या में 1.5 करोड़ के आसपास मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदुओं की जनसंख्या 1,20,00,000 के आसपास थी। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या की बात करूं तो वो कुछ 5.5 करोड़ के आसपास थी और हिंदुओं की आबादी करीब 4,20,00,000 के आसपास थी और मुस्लिम उनके मुकाबले बेहद कम थे। अब बंगाल पॉलिटिकली एक हो चुका था और उससे ताकतवर लोगों पर अंग्रेजों की नज़र बेहद सटीक थी। तभी एक नोट लिखा गया, एकजुट बंगाल एक ताकत है, विभाजित बंगाल अलग दिशाओं में आगे बढ़ेगा। अब कर्जन कलकत्ता के इम्पैक्ट को कम करने के लिए सोच रहा था और इसीलिए उन्हें बंग बंग वाली राजनीति सही लग रही थी। लेकिन कर्जन का ये फैसला राष्ट्रवादी ताकतों को कमज़ोर करने की बजाय उल्टा ताकत दे रहा था। बंग बंग का खूब विरोध हुआ और लोग सड़कों पर उतरे। शुरुआती दौर में इस विरोध को ढाका के मुस्लिम नवाब और मुस्लिमों के कुछ खास हिस्से का समर्थन मिला, लेकिन मुस्लिम लीग जल्दी ही अंग्रेज़ों के फैसले के समर्थन में खुलकर सामने आई। 1906 से 1908 में लीग के अधिवेशनों में इसके फायदों की चर्चा हुई। विरोध को गलत बताया गया और ख़ासतौर पर मुसलमानों को इससे दूर रहने की नसीहत दे दी गई। अब वो बात और थी कि अंग्रेज़ों को मुस्लिम लीग का समर्थन मिल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फैसले के फायदे और नुकसान देखे गए। हालांकि अपनी भाषा और संस्कृति के साथ पहचान को लेकर सचेत बंगाल समाज के लिए एकीकृत बंगाल एक भावनात्मक मुद्दा था। विभाजन के विरोध को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा था और ये समर्थन बंगाल की सीमा से बाहर दूसरे प्रांतों तक बढ़ता गया। बंग बंग योजना लागू होने के अगले कुछ ही दिनों में साफ हो गया कि इसने बंगालियों को बांटने की बजाय एकजुट किया। उनके विरोध ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया और राजनीतिक एकता को मजबूत किया। इस आंदोलन से 4 धाराएं उभरी और ये थी नरमपंथी, गरमपंथी, रचनात्मक स्वदेशी और क्रांतिकारी एक्शन। और अब विदेशी चीज़ों को नकारा जा रहा था।
इसके बाद आंदोलन हुआ जिसमें हर वर्ग के लोग जुड़े। गरमपंथी जो शुरुआत में सिविल डिसोबिडेंस के रास्ते थे, 1906 तक बंगाल विभाजन रद्द करने से आगे अंग्रेजी वस्तुओं और संस्थाओं के बहिष्कार, उनके स्वदेशी चीज़ों के विकास, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन और ज़रूरी हो तो हिंसक आंदोलन का समर्थन करने लगे थे। इस मुकाम पर यह आंदोलन बंगाली उपराष्ट्रवाद तक सीमित नहीं रह गया, अब उसका लक्ष्य स्वाधीनता और पूर्व स्वराज था। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजी हुकूमत लगातार इस फैसले के नफे नुकसान का हिसाब कर रही थी। लगभग 6 साल बाद 1911 तक उन्हें इस सवाल पर पैर पीछे खींचने पड़े और ये सब कुछ हुआ दिल्ली दरबार से। सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन की खुशी में इस दरबार का आयोजन हुआ था। गिफ्ट्स के तौर पर इसमें एक राजकीय घोषणा के जरिए विभाजित बंगाल को एक करने की घोषणा हुई। आंदोलनकारियों की ये जीत थी, लेकिन अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के आपस में लड़ाने के बीच बो चुके थे। 1912 में ढाका के नवाब सलीमुल्ला की अध्यक्षता में नए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बंगाल को फिर एक करने के फैसले का कड़ा विरोध किया गया। सेंट्रल पॉलिटिक्स में बंगाल को कमज़ोर करने का अंग्रेज़ों का अगला कदम ऐसा था जिसने उन्हें किसी खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ये फैसला था देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र होने का। ये फैसला भी 12 दिसंबर के उसी दिल्ली दरबार में हुआ जिसमें दोनों बंगाल एक करने का ऐलान हुआ। तो यह थी कहानी बंगाल विभाजन के इतिहास की। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और इंडिया हिंदी।